फ्रेंड्स, 4,000 रुपए से 40,000 रुपए तक के सफर में हम पहुंच चुके हैं day 8 पे। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता क्या सफर है भाई, क्या पड़ाव इसमें हमने यूज किए हुए, कुछ नहीं करना है, सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट है, जाके चेक करना है यूट्यूब पे। चैनल आपको पता है, सारे के सारे जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ चल रहा है। 4,000 रुपीज से 40,000 रुपीज तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं अभी आपको बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन लेटर्स के साथ बता देता हूं कि ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ना ही मैं कोई गारंटी दे रहा हूं, और ऐसी एज सच कोई पर्सन गारंटी भी नहीं दे सकता कि 4,000 से 40,000 या 4,00,000 से 40,00,000 कोई बना सकता है क्या। देखो, कुछ प्लान्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और वो क्या प्लान्स हैं वो आपको पता लगेंगे। डेली चैलेंजेस होते हैं कि आज के दिन हमें ये प्रॉफिट टारगेट रखना है, ये लॉस टारगेट रखना है, वो भी आपको पता चलेगा। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है वहां पे ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स वहां पे मिलती रहती है, न्यूज इंपैक्ट से लेके हर एक चीज। एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप सब्सक्राइब करते तो मेरा जो मोटिवेशन है वो एक लेवल और बढ़ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। डे 8 के अंदर हमारा प्रॉफिट टारगेट होने वाला है $36 का, $24 की हम ट्रेड करने वाले। आप बैलेंस देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस कितना है इस अकाउंट में, $258.08 तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो यार, शुरू करते हैं आज का दिन कुछ चैलेंजेस के साथ, किस तरीके से ट्रेड करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज करने वाला हूँ, आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस बैलेंस पे हैं और आपको आगे बढ़ना है। तो ये हमारी सीरीज का episode number 8 है, साथ में बने रहिएगा। शुरू करते हैं हमारे चैनल के इंट्रो के साथ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ पे, मैं रिवर फ्लो की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज करने वाला हूँ। रिवर फ्लो के बारे में आपने पता ही होगा, आपको अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर, स्ट्रैटेजीज वाले सेक्शन में जाना है, FTT ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, और वहां पे आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो मिल जाएगी। तो ये बेसिकली दो इंडिकेटर्स का गेम है, यहाँ पे डॉनचिन चैनल और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का दोनों का मिक्सचर है, और यहाँ से हम जो है कॉन्फर्मेशन लेने वाले। तो हमें $24 की ट्रेड करनी है, 3 कंटिन्यूअसली अगर लॉस हो जाती है तो वहीं पे हम ब्रेक ले लेंगे, हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल है हमारी इस सीरीज का जो मैंने पहले दिन से सेट किया था, आप ग्राफ के ऊपर भी देख सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट $36 का है, तो लेट्स सी आज के दिन की हमारी पहली ट्रेड किस डायरेक्शन में होने वाली है, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका पार्टिसिपेशन। तो चलिए हमारी पहली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉल के लिए जाना चाहिए, पुट के लिए जाना चाहिए, या हमें रुकना चाहिए थोड़ी देर। कॉल के लिए $24 की ट्रेड अगले 1 मिनट के लिए मैंने यहां पे लगा दी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, मैं ट्रेड को फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और फिर से मुलाकात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल, यानी ITM रही, $19.68 का हमारा जो प्रॉफिट है वो यहां से रहा। अब इसके बाद हमें दूसरी ट्रेड लेनी है, और थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पहली ट्रेड ही ITM ले लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर दूसरी ट्रेड हमारी OTM हो जाती है तो फिर से हमें 2 ट्रेड और पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। बट इन केस अगर हम दूसरी ट्रेड ITM कैसे तैसे कर पाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में तो है नहीं, वो सारी चीजें इस पर चलती है कि कैसे मार्केट जो है वो बिहेव करता है और अपने ट्रेड्स को, स्ट्रैटेजी को बेसिकली सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो अगर ये ट्रेड हमारी पॉजिटिव जाती है तो हमारा जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो $36 का ही हमें चाहिए, और एक ट्रेड पे हमें $19 का प्रॉफिट हो रहा है 82% की रिटर्न के साथ। तो चलिए, जिन लोगों ने भी कॉल का बोला था उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वर्चुअली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं सभी को बोलूंगा, व्यूअर्स को, आपको कुछ नहीं करना है, कॉमेंट सेक्शन में जाना है, वीडियो को पॉज करना है ट्रेड लगाने से पहले, और आपको बताना है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हो, अगर मेरी सिचुएशन में होते तो किस डायरेक्शन में करते। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, लाइव ग्राफ पे ट्रेड आप ऐसा समझो कि आप कर रहे हो,
तो आप फ्री में ट्रेड कर पाओगे लाइव ग्राफ पे लाइव अकाउंट के साथ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा वेट किया, और किस मोमेंट का वेट किया वो आप देख सकते हैं। मैंने वेट क्यों किया आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का मैं इंतजार कर रहा था और अब यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जरूर मेंशन कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे ट्रेड करने वाले हैं और आप मेरी जगह पे यहाँ पे होते तो कैसे ट्रेड करते। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मैं करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने प्लेस कर दी है 24 US डॉलर्स आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव क्लोज हो गई, और जैसा कि मैंने बोला कभी कभी हमें रुकना भी पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कैसे ट्रेड्स करी हैं, और मैं यहीं पे रुकूंगा। 297.44 डॉलर्स और हमारा टारगेट जो है वो मीट हो चुका है डे 9 तक पहुंचने का, यानी एपिसोड 9 तक पहुंचने का। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अभी इस वीडियो के दौरान नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। एक मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी चैनल पे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्ड है कैसे कॉल और पुट के सिग्नल्स आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और मेरे साथ आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे डे 9 तक पहुंचने के लिए। एपिसोड 9 में और भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आज हमने देखा कि एग्जैक्टली मार्केट के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रैटेजी काम करती है उसके साथ हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी अप्लाई कर ली, देखना पड़ेगा इस सिग्नल यानी कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले। मैंने भी यहाँ पे थोड़ी ट्रेड्स लेके देखा था कि ये जो स्ट्रैटेजी है आज के दिन काम कर रही या नहीं कर रही, रफ में यानी कि डेमो के साथ, उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, साथ में जरूर बने रहेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो आपको पता ही है क्या करना है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।